हर एक दी अपनी तकदीर होती है। तो दोस्तों फाइनली लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, पर फिल्म 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। लेकिन ट्रेलर ने फिल्म का सारा काम कर दिया है। ट्रेलर को लॉन्च ऐसी जगह से किया गया कि करोड़ों लोगों ने 2 मिनट में ही इस ट्रेलर को देख लिया। आईपीएल के फाइनल मैच के दौरान 2.5 मिनट का जो ब्रेक होता है उसी में ट्रेलर को दिखाया गया बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर। लाल सिंह चड्ढा के एक एक सीन को बनाने में काफी मेहनत की गई है। ट्रेलर इतना दमदार है कि उसको आप कई बार देखने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस ट्रेलर की सीक्रेट बात मैं आपको बताऊं तो जो आपको ट्रेलर देखने के बाद अंदाजा हो सकता है। पहला तो इस फिल्म में आमिर खान का रोल काफी हद तक पीके फिल्म वाले आमिर खान से मिलता जुलता है। तो आप सोच रहे होंगे क्या इसमें भी कोई एलियन आएगा? तो एलियन तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो हो सकता है कि लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान का डबल रोल हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेलर में आमिर खान के चाइल्डहुड को भी दिखाया गया है, जहां पर आमिर खान के पैर काम नहीं करते हैं और उनके पैर में रॉड लगाई जाती है। लेकिन वही बाद में जाकर इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी का मेडिकल इतना टफ होता है। इसलिए मेरी बातों से भी आप थोड़ा बहुत इत्तेफाक तो रखेंगे कि इस मूवी में शायद आमिर खान का डबल रोल हो सकता है। इस ट्रेलर में आमिर खान की शक्ल हर सीन में आपको बदलती नजर आती है। बाकी कहानी बहुत ही इमोशनल लग रही है। वहीं इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म के तहत रिलीज किया जाएगा। ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ और भी कई भारतीय भाषाओं में डब की जाएगी। इस ट्रेलर को देखकर या तो पता चलता है कि इस फिल्म में हिंदी से ज्यादा पंजाबी बोली जाएगी। वहीं बॉलीवुड को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि यही वो फिल्म है जो 1000 करोड़ के पार जा सकती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी तक आपने लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर नहीं देखा है तो आप जाइए लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देख कर आइए। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।